नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह काराकट लोकसभा सीट से जिस तरीके से चुनाव लड़े थे, चुनाव तो हार गए लेकिन उन्होंने जिस तरीके का वोट पाया उससे उनका काफी ज्यादा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। मैंने आपको कल एक जानकारी दिया था और जानकारी ये था कि आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी के भाई हैं पवन कल्याण जो है वो वहाँ पे तेलुगु फिल्म के एक बड़े अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी फिल्में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होती है और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर उन्होंने 2 लोकसभा सीटें जीती। इसके अलावा जो है उन्होंने विधानसभा में कुछ इस तरीके की सीटें पाई कि वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो दूसरे राज्यों के जब लोग अभिनेता इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन पवन सिंह ने ठान लिया है कि पवन सिंह जो हैं वो अब अपनी एक पार्टी बनाएंगे और पार्टी का नाम SSP होने वाला है, सर्व समाज पार्टी होने वाला है। हालांकि पवन सिंह इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय उन्होंने काफ़ी कुछ बेहतर किया है। पवन सिंह निर्दलीय शायद ऐसे भोजपुरी अभिनेता हैं जो इतना ज़्यादा वोट जो है वो पहली बार चुनाव में खड़े होकर पाए हैं और तकरीबन 1 महीने से ही वो तैयारी कर रहे थे। अब कड़ी में माना जा रहा है कि सर्व समाज पार्टी नाम के एक पार्टी को बना सकते हैं और वो पार्टी जो है बिहार के विधानसभा चुनावों में लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि जहां पर राजपूत वोटरों का दबदबा है वहां पर पवन सिंह जो है अपने पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। कल मैं कहीं पढ़ रहा था तो पूर्णिया के जो सांसद बने हैं पप्पू यादव, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पवन सिंह की वजह से राजपूत जो वोटर हैं वो BJP को बिल्कुल भी वोट नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से आरा लोकसभा सीट हो गई, चाहे काराकट लोकसभा सीट हो गई, चाहे हम बात करें तो और भी सासाराम सीट हो गई, वो राजपूत वोटर जो है वो BJP की ओर नहीं गए हैं, BJP से नाराज नजर आए हैं। और अगर पवन सिंह इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो वो उनके लिए फायदा होने वाला है। तो एक जो बड़ी खबर सामने आई थी कि सर्व समाज पार्टी के नाम से पार्टी बनाएंगे और बिहार के तमाम जिला में दौरा करेंगे और विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये तो बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या पवन कल्याण की तरह पवन सिंह भी खेला कर सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी बनाकर कई सारे सीट जीतकर सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।